गुड इवनिंग गाइस, और बज गए हैं शाम के 6 और मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ शाम को 6 बजे से शुरू। और गाइस देखिए, मैं अभी अभी इतने सारे कपड़ों पर प्रेस करके अभी हटी हूँ और अंशिका देख रही है सिंचैन, ये देखिए अभी इस पे ऐड आ रही है। और इन कपड़ों को लगा देती हूँ मैं अलमारी में और उसके बाद जाऊंगी मैं किचन में। तो पहले मैं कपड़ों को लगा दूँ अलमारी में। रखती है मैंने अलमारी में। और देखिए अंशिका अपनी करने लगी है पढ़ाई, अभी ट्यूशन से आई थी तो अभी ये अपना स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क करेगी। इसको बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ये अपना जितना भी होमवर्क और क्लास वर्क है सबको कंप्लीट रखती है। तो चलिए गाइस किचन में। मैं आ गई हूँ किचन में और अब बनाऊंगी मैं दाल मखनी। तो गाइस, दाल मखनी के लिए मैंने काली दाल और राजमा को 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इनको मैं धो के और कुकर में पानी डालकर नमक और हल्दी डालकर 3 सीटी लगाऊंगी। जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक मैं आटा गूंद लूंगी। सो गाइस, आटा मैंने थोड़ा सा आधा गूंद के रख दिया है और आधा गूंदूंगी मैं 5 मिनट के बाद, क्योंकि आटे को थोड़ी देर ऐसे ही रख देने से रोटियां बहुत अच्छी बनती है, और इसलिए मैंने आटे को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और अब थोड़ी देर के बाद इसको अच्छे से गूंद के मैं रोटियां बनाऊंगी। आप देख रहे हैं कुकर में आ गई है 2 सीटी और मैं 1 या 2 सीटी और लगाऊंगी। और तब तक मैं प्याज और लहसुन वगैरह को काट के और पीस के रख लूंगी। कुकर में आ गई है 4 सीटी और मैंने टमाटर को भी काट लिया है, मैंने 4 टमाटर काटे हैं और इसमें थोड़ा सा अदरक भी काट के डाल दिया है और इसमें हरी मिर्च और लहसुन भी डाल दिए हैं। और अभी इनको कर लूँगी मैं ग्राइंड। और आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। और
अगर आपको प्याज के साथ दाल मखनी बनानी है तो आप प्याज और लहसुन और अदरक को एक साथ पीस लीजिए और टमाटर को अलग पीस लीजिए। प्याज नहीं डाल रही हूँ तो मैं टमाटर अदरक और लहसुन हरी मिर्च को एक साथ पीस रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा उसमें डालूंगी जीरा। मैंने इसमें पहले से ही टमाटर के पीसते टाइम हरी मिर्च डाल दी थी बहुत सारी, तो इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डालूंगी और बस इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, क्योंकि हल्दी और नमक तो मैंने दाल को उबालते टाइम डाल दिया था। मसाले को मैं अच्छे से ब्राउन कर लूंगी और जब तक इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें से जो तेल है वो अलग दिखाई ना देने लग जाए। तो गाइस दाल हो गई है तैयार, अब मैं बना देती हूँ फटाफट रोटी। सुपाटा में पहले से ही टिपन में ऐसे करके रखती हूँ जिससे बार बार का झंझट नहीं होता। और ले लेती हूँ घी,
खड़ी हुआ ना टूटे चुप गाइस, ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन ब्लॉग और मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।